एक और दोबारा टुकड़ा लेंगे और उसके ऊपर थोड़ी पायोडीन लगा के जो है ना, ये देखें पायोडीन लगाएंगे उसको, कहीं नहीं देखना हाथ में लगती कोई बात नहीं, पहले ग्लव्स चला लें बेहतर है, नहीं तो गिरती गिरने मरीज को देखना है जल्दी। आप उस चीज़ लगाएंगे, इसके ऊपर थोड़ी काटन रखेंगे, काटन रखने के बाद ताकि जो जख्म के ऊपर प्रेशर ना पड़े, ये साफ सुथरी देखें काटन, उसको ज़्यादा जो ना इस तरह करके बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं। और पट्टी को हमने दाएँ से बाएँ लेके आना, और ये थोड़ा सा इसको हम छोड़ देंगे पट्टी के, ये देखें सीधा करेंगे और टाइट करके दोबारा जो ना इधर हम पट्टी करेंगे, इसको हाथ में पकड़ के रखें, खींच के रखेंगे ताकि डूब ना हो। ये करेंगे जब एक दो बाल देंगे पट्टी को थोड़ा सा घुमाएंगे पीछे ताकि जो पट्टी टाइट हो, और इधर के बाद जब ये करेंगे तो दोबारा इसको इधर कर देंगे और ये इसके अंदर आ जाए ताकि टाइट हो जाए। और दूसरी दफ़ा जब बाल लेना, ये बाल पहला उसके नीचे आएगा और ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं है, और दोबारा इसको फिर इधर किया ताकि वो पट्टी साथ साथ टाइट होती रहे, और ये करेंगे दोबारा फिर एक दफ़ा बाल देने तक पट्टी टाइट हो जाए। और यहाँ इसके बाद करने के बाद ये देखिए पट्टी टाइट है, अब हमने यहाँ गिरा लगानी है, गिरा कोशिका जख्म के ऊपर ना आए, साइड पे थोड़ा सा इतनी लूज नहीं और टाइट भी देने के ये रखेंगे। और दूसरी गिरा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ये दोबारा गिरा लगाने का उसको मकर करेंगे, और अगर ये हम काट देंगे फालतू जो चीज़, अगर उसके बाजू में ज़्यादा चोट है तो ताकि बाजू लटकाने से उसको पेन होती है तो उसके गले में पट्टी डालेंगे, और पट्टी डालने के बाद उसका जो है ना वो हाथ उसका उसके अंदर खड़े जाए। ये देखें यहाँ से हमने ये पट्टी की, यहाँ उसे पूछेंगे हाथ अपना उसको बराबर वजन आ रहा है, हाथ उसके ऊपर वजन आ रहा है आपका, ठीक है गिरा लगाएंगे, गिरा इसको ऐसे ही लगाएं ताकि अब ये इसको पीछे काटें खेन के, ये जो गिरा वाला है काले से पीछे चलता साफ सुथरा इसके ऊपर आ सके, ताकि ये हाथ को जो ये पीछे नहीं करनी, ये जो हमने पट्टी करनी है ये पीछे अगर नहीं करनी, ये करनी कोशिश करनी अगले हिस्से पर, ताकि वजन जो हाथ का हमने उठाना है ये पट्टी वजन उठाएगी गले के साथ, गले के साथ आप Yes, coach claps, let's go.